सबसे मुश्किल टास्क पीटी रीडिंग। आपका टारगेट चाहे 6 ईच हो, 6.5 ओवरऑल का हो, या 6.5 ईच का हो, 7 ईच का हो, 8 ईच का हो, हर एक स्टूडेंट के मन के अंदर एक ही क्वेश्चन, रीडिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सके। आपके मन के अंदर ये भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर आपके रिक्वायरमेंट कम है, हमने कौन सा 90 आउट ऑफ 90 लेने हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट 6 ईच की है या उससे कम है, या 6.5 ओवरऑल की है, 58 ओवरऑल तक की है, तो हमने कौन सा 90 आउट ऑफ 90 लेने हैं। तो क्या हम फिल इन द ब्लैंक्स अगर सारे ही गलत कर दें तो हमारे 58 ओवरऑल आ सकते हैं कि नहीं आ सकता मन के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आया, आप भी अपने क्वेश्चन जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो हम जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उसको उठा के वीडियो बनाएंगे। ये देखिए मनप्रीत कौर ने मैसेज भेजा जी, कमेंट किया है, हेलो सर, मेरी रीडिंग बहुत वीक है सर, मुझे 58 चाहिए, क्या रीड अलाउड और हाईलाइट इनकरेक्ट के साथ आ सकते हैं अगर ये दोनों अच्छे हो विदाउट रीडिंग ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीडिंग में कौन कौन से जो सेक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसके अंदर मार्क्स होते हैं। सबसे पहले एमसीएम में, रीडिंग में मल्टीपल जो है सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिल द ब्लैंक्स रीडिंग, फिल द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग, रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। ये है जी हमारे 90 स्कोर्स रीडिंग पे। अब अप्रोक्सीमेटली अगर दो क्वेश्चन आए रीऑर्डर के, तो आपके जो ऑप्शंस हैं पांच होते हैं, पांच ऑप्शंस के आते हैं, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो टोटल दो क्वेश्चन आए तो हमारे पास 8 मार्क्स हो गए, राइट। फिल द ब्लैंक्स हमारे पास आते हैं 5, अप्रोक्सीमेटली लगा के चलता हूं, तो 5 के अंदर अगर मैं 5 ही ब्लैंक मानू तो 25 बनते हैं, तो मैं मान के चलता हूं 22। कईयों के अंदर 5 आ जाएंगे, कईयों के अंदर 4 आ जाएंगे, मैं 22 मान के चलता हूं। उसी तरह रीडिंग विद द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर भी 22 मार्क्स में मान के चलता हूं। मल्टीपल जो है मल्टीपल आंसर एक ही आता, सिंगल है तो 1 नंबर हो गया, और इसके अंदर एक भी है तो मान लीजिए 3 आते हैं तो 3 मार्क्स का हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया, टोटल कितना हुआ, 3 + 1 4 + 8 12, 12 + 22, 12 + 22 बनता है हमारा 34, 34 + 22 56, 90 में से 56 निकाल दिया जाए तो 34 मार्क्स बनते हैं हमारे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 34 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 90, राइट। तो यहां पर सीधा सीधा हिसाब जा रहा है कि अगर आपने फिल द ब्लैंक छोड़ दिए, बाकी छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, मैं कहता हूं बाकी सारा कुछ सही हो गया आपका, टोटली सही होगा, रीड अलाउड भी परफेक्ट हो गया आपका, 44 मार्क्स जो है वो आपके चले गए, 90 में से 44 गए तो 56 बच गए हमारे पास। 56 क्यों, 46 बचे, 46 बचे ना हमारे पास, अगर हम 90 में से निकाल दें तो हमारे पास 46 बचे। और यहां पर आप मुझे पूछ रहे हो कि अगर फिल द ब्लैंक्स गलत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हमारे 58 ओवरऑल आ सकते हैं। उसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर 44 में से मैं मान के चलता हूं आपके 15 नंबर भी आ जाए, आप देखो दो क्वेश्चन है, यहां तो बिल्कुल छोड़ के जाना विदाउट रीडिंग फिल द ब्लैंक्स, उन्होंने कहा है कि बिना कुछ किए, ऐसा कभी होता तो नहीं है कि बिना किए आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे, तुक्का तो लगाओगे बीच में, लेकिन आपको साफ नजर आ रहा है कि ये मेजर सेक्शन है, और अगर ये सेक्शन छोड़ दिया आपके राइटिंग के मार्क्स भी कटेंगे,
इसमें मेजर सेक्शन होते हैं राइटिंग के। हम राइटिंग के मार्क्स चेक करते हैं। ये तो हमारा पीटी रीडिंग हो गया। हम सोच रहे हैं कि पीटी रीडिंग फिल द ब्लैंक्स, ये तो हमारे हो गए राइटिंग। राइटिंग के स्कोर चेक करते हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप फिल द ब्लैंक छोड़ दोगे तो। एसडब्ल्यूटी ऐसे फिल द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग, एसएसटी फिल द ब्लैंक्स लिसनिंग में, राइट फॉर्मेटेशन, ये छह सेक्शंस हैं जिसके अंदर पीटी राइटिंग के स्कोर होते हैं। ये जो है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। समराइज इंडेक्स 7 मार्क्स का है। रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स समराइज बुक कॉन्टेक्स्ट 10 मार्क्स का है, उसके अंदर कुछ हिस्सा तो राइटिंग को भी जाएगा। मैं मान लेता हूं 10 में से, क्योंकि ये लिसनिंग का पार्ट है, लिसनिंग में ज्यादा स्कोर जाएंगे। मैं थ्री स्कोर मान लेता हूँ इसके, 3 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ। उसी तरह फिल द ब्लैंक्स 2 आते हैं, 1 या 2, मैं मान के 2 चलता हूँ, आपको 8 ब्लैंक्स आ गए, 8 में से 3 मार्क्स इसके मान लो चलो, ठीक है। राइट फॉर्मेटेशन जो है वो भी हमारा 3 या 4 आते हैं, तो 30 मार्क्स का मान लिया, तो 30 में से 12 मार्क्स मैं राइटिंग के मान लेता हूँ, राइट। तो अब हिसाब लगाइए, 27 प्लस 3 30, 33 45 मार्क्स हमारे बाकी सेक्शन में आए हैं, और ये जो रिमेनिंग बच गए 45 मार्क्स, तो 21 में से आएंगे रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स में से। कहने का मतलब अगर 22 आए हैं इसमें से, उसका डबल जो है वो राइटिंग में जाता है, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स पूरे होंगे ही नहीं। अगर रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स में जो स्कोरिंग आपके कम आएगी, तो आपके स्कोर कैसे पूरे होंगे? तो रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स या इन द ब्लैंक्स को छोड़कर जाना या इसकी प्रैक्टिस कम करके जाना, मैं मानता हूं कि चलो आपको इसको मुश्किल लगती है, लेकिन गाइस ये इंपॉर्टेंट टास्क है, खास तौर के ऊपर रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स भी है। करके जरूर जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, और मेरे नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी YouTube के ऊपर, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो पहले, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि रीडिंग एक तरह का डिफिकल्ट टास्क है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो कंप्लीट नहीं होगा। आज आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो गए हैं, क्या गारंटी है कल भी आपके 3 सही हो जाए? कोई गारंटी नहीं। सो आपको अपनी प्रॉब्लम को समझो। बच्चे क्या कहते हैं, मैं जल्दी से जल्दी पेपर पास करूं, अच्छे नंबर लूं, अच्छी कोचिंग भी तो चाहिए। अपने कंसेप्ट को क्लियर करो फिर एग्जाम देने जाओ, नहीं तो टाइम और पैसा वेस्ट होगा। जहां पर हमारे इतने स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर्स ले रहे हैं, आप भी अपना नाम उनमें शामिल कर सकते हो। पर्सनल क्लासेस हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हैं, अगर आप बिजी हो, जॉब में बिजी हो, हाउसवाइफ्स हो, तो भी हमारे को कॉन्टेक्ट करो। हर तरह का जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने के बावजूद, उसके साथ साथ ही आपकी जो बिजी स्केड्यूल है उसके साथ साथ हम अरेंजमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन कोचिंग है, कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में बैठ के। कई बच्चे हिचकिचाते हैं कि सेंटर में नहीं जाना, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनके लिए ये सुनहरी मौका है। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉल अस एंड डिस्कस योर स्कोर्स विद अस, सो दैट वी कैन टेल यू दिस वे यू कैन इंप्रूव। बार बार पेपर देकर थक चुके हो ना, एक बार कॉल करके देखो, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कोर कार्ड भेज दीजिए और यहाँ अपने कोचिंग लेने सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए। बाय बाय।